आम तौर पर एक कार बनाने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए? थोड़ा लोहा, थोड़ा स्टील और थोड़ा प्लास्टिक। पर इस लड़के ने कमाल कर दिया और पूरी कार थर्माकोल की बना डाली। कार भी छोटे मोटे ब्रांड की नहीं, विंटेज, वो भी बुगाटी F41 मॉडल की। जिसने भी ये कार देखी उसने सिर्फ यही बोला, वाह। अगर महिंद्रा कंपनी की कारों के मालिक आनंद महिंद्रा भी इस कारीगरी को देख लेते तो कहते, वाह बेटे, नाम कर दिया। इस कार को बनाने की कहानी भी खास है। ये कार एक स्कूल हॉस्टल में बनाई गई है क्योंकि इसे बनाने के लिए जगह चाहिए थी। इसको बनाया है एक स्टूडेंट ने जिसका नाम है शिवम। शिवम यूनिवर्सिटी के मास्टर ऑफ विजुअल्स आर्ट का स्टूडेंट है। उसने पहले ये आइडिया अपने दोस्तों के साथ शेयर किया। दोस्तों ने कहा, बनाओ यार, और उसने थर्माकोल से कार बना डाली। ये विंटेज कार आइडिया एक तरीके से हमने प्लान नहीं किया था कि हमें थर्माकोल में इतनी बड़ी कार हम बनाएंगे। ये आइडिया था, एक बार गूगल पे हम सर्च कर रहे थे तो वहाँ पे बुगाटी टाइप 41 एक आर्टिकल आया था। उस आर्टिकल में था कि विश्व में बस बुगाटी की यही एक इकलौती कार बची है जिसने 1927 में अपने आप में ही एक वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया था। इस टाइम गिनीज बुक वगैरह थे भी नहीं, तो उस समय ये पहला रिकॉर्ड इसका था। तो हमने इसका काफ़ी मतलब इस पर रिसर्च किया, देखा कि कैसे इसमें मतलब इसमें क्या है ऐसा। तो हमने देखा कि ये अभी तक की जो कंपनी जो कार लॉन्च करती है उसमें पहली कार ये है जो 20 फीट की, इसका साइज 20 फीट है। तो फिर रिसर्च करते 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 इसके जो एक तरीके से लेआउट वगैरह हमने बना तैयार किए, लेआउट इधर ब्लूप्रिंट्स वगैरह तैयार किया, कुछ दोस्तों की भी हेल्प ली, सीनियर्स की भी हेल्प ली हमने। उसके बाद से जैसे जैसे हम बनाते गए इंटरेस्ट इसके लिए बढ़ता गया। तो फिर हम बैचलर यहाँ से मूर्ति कला से भी कर चुके हैं, इसमें मास्टर्स फर्स्ट ईयर है, लास्ट चल रहा है हमारा। तो अपने जो ज्ञान था हमारा जो हमने यहाँ से सीखा, सोचा उसी के माध्यम से इस कार को क्यों ना हम इंडिया में बनाए, क्योंकि ये लंदन के ही बुगाटी म्यूजियम में रखी हुई है। तो इसको हमने सोचा कि इसको अपने विश्वविद्यालय के अंदर बनाते हैं, जो लखनऊ विश्वविद्यालय में हम इस समय, तो हमने उस समय बाहर रहते थे, हम हॉस्टल में नहीं रहते थे। तो अपने प्रोच से बात की, सर हमको हॉस्टल चाहिए क्योंकि हम एक ऐसा काम करना चाहते हैं जो हॉस्टल में ही पॉसिबल है, क्योंकि बाहर इतना बड़ा रूम हमें कहीं नहीं मिल पाएगा। तो हमारे जो प्रोच वगैरह थे, सर जो थे, उसके डीन थे, ये लोग मतलब काफ़ी उनको अच्छा लगा कि बच्चा काम करना चाह रहा है। तो उन्होंने एक हॉस्टल का जो सबसे बड़ा कमरा था काम के लिए उन्होंने हमको अलॉट कर दिया कि तुम इसमें अपना काम करोगे। Thank you.